देखिए, आज हम थिक प्लेन मिरर के बारे में बताएंगे। थिक प्लेन मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके लिए इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो देखिए, जो थिक मिरर होता है वो थिक प्लेन मिरर नॉर्मल प्लेन मिरर से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हम खुद को एक बार प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जब हम खुद ऑब्जेक्ट की जगह देखें तो ये जो पॉलिश्ड सरफेस होगी थिक प्लेन मिरर की, ये हमको इसकी एक्चुअल डिस्टेंस पे नहीं दिखती है, ये शिफ्ट हो जाती है। कितनी शिफ्ट होगी? ये ए बी सरफेस है, ये ए डैश बी डैश पे शिफ्ट होगी। कैसे? क्योंकि ये डेंसर मीडियम से, इसकी सरफेस से लाइट हमारी आंखों में इंसिडेंट होगी, तो डेंसर मीडियम से जब लाइट मूव करती है तो इस सरफेस की जो हमको एपरेंट डिस्टेंस दिखेगी, ये एपरेंट डिस्टेंस होगी। और एपरेंट डिस्टेंस का फार्मूला होता है जब डेंसर मीडियम से लाइट चलती है तो ये होता है, ये डिस्टेंस टी है, तो टी अपॉन म्यू, म्यू इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी हमारी टी अपॉन म्यू, यानी इतनी डिस्टेंस पे ये हमको मिरर दिखाई देगा। जब हम ऑब्जेक्ट की जगह खड़े होके देखेंगे तो हमको टी अपॉन म्यू, यानी ऑब्जेक्ट से एक्स प्लस टी अपॉन म्यू पे हमको मिरर दिखेगा। अब इमेज जो बनेगी, तो ये इमेज बनेगी आई, और ये डिस्टेंस जो होगी इस मिरर से लेंगे जो ये एपरेंट है, तो ये होगी एक्स प्लस टी वाई म्यू पे इमेज बनेगी। ओके, इसमें देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये हमने थिक मिरर लिया है, इसकी ये मोटाई हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं और इसके सामने हम यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लेते हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी? तो देखिए, ये यहाँ पे हम एपरेंट मिरर लेंगे और इस एपरेंट मिरर के लिए ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 5 बाई म्यू। ये जो डिस्टेंस होगी ये 5 बाई म्यू की वैल्यू है 1.5, यानी 3 बाई 2, 10 बाई 3। अब जो इमेज बनेगी ये फाइनल, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी आई, और ये बनेगी 10 प्लस 10 बाई 3 पे। ये जो डिस्टेंस होगी 10 प्लस 10 बाई 3, यानी 30 प्लस 10 40 बाई 3 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी। क्लियर?